चोरी के लगातार बढ़ रहे मामलों के खिलाफ जीआरपी जबलपुर को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यात्रियों से नकदी चोरी के दो मामलों में जहां पुलिस ने दो आरोपी को गिरफ्तार किया है, वहीं चोरों के तीन सदस्यीय गिरोह को भी दबोच लिया है। यात्रियों से नकद राशि चोरी करने वाले व्यापारी के दोनों चोरों से करीब 14,000 रुपये बरामद हुए हैं। वहीं चोरों के तीन सदस्यीय गिरोह से चोरी के औजार जब्त हुए हैं। ये इसी माह में दो चोरी की जो घटनाएं होती उसमें नगद राशि जो है चोरी हुई थी। एक चोरी में करीब 9,000 नगद चोरी हुआ था और एक मामले में 20,000 रुपये की नगद चोरी हुई थी। तो इस मामले में सफलता मिली है और कल रात में हमने ब्योहारी के दो लड़कों को गिरफ्तार किया। एक शिवानंद गुप्ता है और दूसरा है दिव्यांशु सेन, और इनके कब्जे से जो है हम लोगों ने 14,000 रुपये नकद जो है जब्त किया है। और बाकी राशि जो है, चूँकि काफ़ी 15-20 दिन का समय हो गया था तो कुछ राशि जो है इन्होंने खर्च कर ली थी, तो इनसे 14,000 रुपये नकद जो है जब्त किया गया है। इसी प्रकार कल रात में ही तीन लड़कों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों ही दो घमापुर क्षेत्र के और एक जो है वो भानतलैया का रहने वाला है। तीनों ही शातिर अपराधी है। इनके खिलाफ घमापुर में, हनुमानताल में और जीआरपी में सभी जगह मुकदमे दर्ज हैं। और इनके कब्जे से जो है हमने चोरी के औजार जो है वो जब्त किए हैं और इनको चोर के गिरोह के रूप में गिरफ्तार करते हुए धारा 401 का अपराध पंजीबद्ध किया। जबलपुर से कदीर खान की रिपोर्ट।